गाइस, वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। बाल गिरने की समस्या से हम में से ज्यादातर लोग बेहद परेशान रहते हैं और इसके बचाव के लिए हम तरह तरह की रेमेडीज भी ट्राई करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी होममेड हेयर ऑयल की रेसिपी लाई हूँ जिससे बाल गिरना तो कम होगा ही, साथ ही साथ आपके बाल मजबूत और चमकदार भी हो जाएंगे। इस होममेड हेयर ऑयल की सीक्रेट इंग्रेडिएंट अदरक है। जी हाँ, अदरक सिर्फ चाय और खाना को ही टेस्टी नहीं बनाता है बल्कि आपके बालों को भी सुंदर, चमकदार और मजबूत बना देता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अगर आपको यूजफुल लगती हैं तो प्लीज इसे थम्स अप भी दें। इस इफेक्टिव हेयर ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा अदरक या जिंजर। बाल से रिलेटेड कोई भी समस्या में अदरक बहुत असरदार माना जाता है। रेगुलरली जिंजर ऑयल यूज करने से हेयर फॉल रैपिडली कम हो जाता है। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं और आपकी स्कैल्प इची है तो जिंजर ऑयल बहुत ही हेल्पफुल है। जिंजर में फैटी एसिड्स होते हैं जिसके कारण ये आपके बालों को एकदम स्मूथ और सिल्की बना के इसकी ड्राइनेस दूर कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि इस रेमेडी से आपके बालों को तुरंत लाभ पहुंचे तो एक रिकमेंडेशन है कि फ्रेश जिंजर का इस्तेमाल करें। इस जिंजर ऑयल को बनाने के लिए आपको एक बेस ऑयल की जरूरत पड़ेगी और जैतून का तेल सबसे बेस्ट माना जाता है इस पर्पस के लिए। अदरक की तरह ही जैतून का तेल भी एक बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। जैसे ये दिल, दिमाग और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है, वैसे ही बालों के लिए भी जैतून का तेल बहुत फायदेमंद है। ये बालों की देखभाल जड़ से करता है और इसे पूरा पोषण पहुंचाता है। प्लस इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो बालों को चमकदार बनाने में मदद करता है। लास्टली हमें चाहिए होगा बादाम का तेल। इसके लिए आप कोई भी बादाम का रेगुलर हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बादाम के तेल से बालों की करीबन हर समस्या दूर हो जाती है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, डैंड्रफ पे रोक लगाता है, प्लस ये बालों को सफेद होने से भी बचाता है। बालों के ओवरऑल हेल्थ के लिए बादाम का तेल बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है और बाल हमेशा स्वस्थ और चमकदार रहते हैं। आइए अब इसे बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लेंगे और उसे पील करेंगे। याद रहे कि अदरक को पहले अच्छे से वॉश कर लें। अब एक ग्रेटर ले और अच्छे से अदरक को ग्रेट कर लीजिए। यहाँ मैंने करीब 2 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ है। ग्रेटेड अदरक बिल्कुल इस तरह से दिखना चाहिए और इसका अब हम जूस निकालेंगे। एक छलनी या स्ट्रेनर ले लें और उसमें ग्रेटेड अदरक डाल दें। फिर एक स्पून की मदद से उसे पुश करते हुए उसकी सारी जूस एक्सट्रैक्ट करके एक बोल में कलेक्ट कर लें। फ्रेशली स्क्वीज जिंजर जूस कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी का इस्तेमाल करके हम आगे अपना जिंजर हेयर ऑयल बनाएंगे। ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लें और उसमें एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल डालें। अब एक छोटा चम्मच बादाम का तेल इसमें डालें। और एक छोटा चम्मच जिंजर का जूस डाल दें। अब एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिलाएं जब तक कि जिंजर जूस और तेल आपस में अच्छे से मिल ना जाए। आपका होममेड जिंजर ऑयल अब रेडी है। ये कुछ इस तरह दिखेगा। इस ऑयल से अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करें सर्कुलर मोशंस में
और फिर 5 मिनट तक अच्छे से रब करते रहें। अगर आप चाहें तो इसे टिप्स पे या बाल के पूरे लेंथ पे भी लगा सकते हैं। एक बार अच्छे से मसाज हो जाए उसके बाद 30 मिनट्स तक इसे ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद कोई माइल्ड सा शैम्पू यूज करके अपने बालों को वॉश कर लें। अदरक की तासीर गर्म होती है तो 30 मिनट्स के अंदर ही आपको एक वार्म सी फीलिंग आएगी अपने सर पे। उसके बाद ही आप अपने सर को धो लें। इस ऑयल से मसाज के बाद आपका बाल ऑलरेडी कंडीशन हो जाता है, तो शैम्पू करने के बाद कंडीशन करना अवॉइड करें। इसे वीक में 2-3 बार यूज करें और हेयर ग्रोथ में बढ़ावा आपको पक्का नजर आएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे और यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइज़।